हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिता शोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर लास्ट टॉपिक ओलिगोपली। तो क्या होता है ओलिगोपली मार्केट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अल्पाधिकार। तो देखो, अल्पाधिकार, अल्प प्लस अधिकार, अल्प का मतलब है कम, थोड़े, कुछ, अधिकार का मतलब अधिकार, जहां पूरे बाजार पर कुछ यानी थोड़े से व्यक्तियों का अधिकार होता है। कहने का मतलब जहां विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कुछ होती है, थोड़ी सी होती है। अब आप कह सकते हैं कुछ में दो तीन चार, नहीं, हम ऐसा नंबर में नहीं कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि वो दो है तीन है, तो कुछ में दो भी कुछ में आगे, तीन भी कुछ में आगे, चार भी, पांच भी, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जहां विक्रेता थोड़ी संख्या में होते हैं या कुछ होते हैं, और प्रत्येक विक्रेता मार्केट का एक बड़ा सा हिस्सा क्या किए हुए, कैप्चर किए हुए हैं। देखो इंडिया में क्या है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, कुछ ही कंपनियां हैं जो उस पूरे मार्केट पर क्या किए हुए, कब्जा किए हुए हैं, सभी की मांग को वो सेटिस्फाई किए हुए हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जिनके हाथ में क्या, मार्केट का बड़ा बड़ा हिस्सा है। वो क्या बेचती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो सकता है या डिफरेंशिएट प्रोडक्ट हो सकता है, जो वो बेचती है कि एक जैसा प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं, अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट भी वो बेच सकते हैं। उदाहरण हम लेते हैं, जिस प्रकार से हमारी ऑटो कंपनी हम लेते हैं, देखो कार बनाने वाली कितनी हमारी कंपनी है, थोड़ी सी चुनिंदा है, उनमें हमारी क्या आती है, टाटा है, मारुति है, हुंडई है। तो ये कुछ गिनी चुनी कंपनी, ऐसी तो नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा है, नहीं, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को अपने कब्जे में लिया हुआ है कि सभी की डिमांड को सेटिस्फाई करती हैं। तो कहने का मतलब कि जहां विक्रेता थोड़ी संख्या में होते हैं और पूरे मार्केट का एक बड़ा बड़ा हिस्सा वो क्या किए हुए, कैप्चर किए हुए होते हैं। तो इसमें हमने कहा कि मारुति है, हुंडा है, टाटा है, हुंडई है, ये हमारे क्या है, ओलिगोपली मार्केट के एग्जाम्पल है। तो उसमें अब हम देखें कि मैंने एक वर्ड कहा कि ये सिमिलर प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेच सकती है और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी बेच सकती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट में अपने जैसे सीमेंट है, कुछ ही बेचने वाली है, अंबुजा सीमेंट है, थोड़ी सी फैक्ट्रियां हैं, तो सीमेंट क्या है, एक जैसी सी होती है। स्टील कंपनियां हैं, कुछ हैं, एल्यूमिनियम कंपनी है, वो भी थोड़ी सी है, तो ये क्या है, सिमिलर सा प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन हमने कहा कि जिस तरह कार है, वो क्या है, हर एक की अपनी कार की अपनी क्या होती है, फीचर्स होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो अलग अलग फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएट है। मारुति अलग प्रकार की बना रही है, टाटा अलग की बना रही है, तो आप थोड़ी है, ये थोड़ी है कि जैसा मारुति में चल रहे हैं उसी पर वही फैसिलिटी पीएमडब्ल्यू दे रही है, वही ओडी दे रही है, नहीं, हर एक अलग अलग फैसिलिटी दे रही है, हर एक की कीमत भी क्या है, अलग अलग प्रकार की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओलिगोपली मार्केट मुख्य रूप से हमारी क्या होती है, चार प्रकार की होती है। पहली है परफेक्ट ओलिगोपली, इम्परफेक्ट ओलिगोपली, परफेक्ट ओलिगोपली, कोलूशन ओलिगोपली, और फोर्थ है नॉन कोलूशन ओलिगोपली। तो अब हम इसका देखेंगे, देखो परफेक्ट में क्या है, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेस्ड, कुछ फर्में हैं और प्रोडक्ट कैसा होमोजीनियस है, तो उसमें हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं, सीमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल दे सकते हैं, सीमेंट एक जैसी सी। अब फिर हमारा है इम्परफेक्ट ओलिगोपली, इम्परफेक्ट ओलिगोपली में प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस नहीं होता, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें हमारा क्या होता है, कार का एग्जाम्पल्स है, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल है, वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। पोल्यूशन में क्या आता है कि कुछ फर्में मिलकर, प्रत्येक फर्म क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो स्वतंत्र होती है, और वो कुछ फर्में मिलकर क्या कर लेती है, एक समझौता कर लेती है। समझौता भी किस पर करेंगी, या प्राइस पर करेंगी या आउटपुट पर करेंगी, कि प्राइस या आउटपुट पर समझौता कर लेती। वैसे समझौता क्या होता है, ओपन समझौता तो कभी होता ही नहीं, गुप्त समझौता कर लेती, भाई कीमत को हम इससे कम नहीं करेंगे,
तो वो क्या है, प्राइस वार से बचने के लिए कि गला काट प्रतियोगिता होती है, एक 5,000 कम करता है, दूसरा 7,000, अगला 8,000 करेगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसको फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, लेकिन जो सेलर है उनको क्या होगा, इससे नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए वो नहीं चाहती कंज्यूमर को प्रॉफिट, वो चाहते हैं कि उनको खुद को क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उस प्रॉफिट को के लिए वो क्या करती है, वो ये अपनाती है कि वो मिल करके क्या कर लें, कोई ना कोई समझौता कर लें, या आउटपुट पर कर लें, या प्राइस पर कर लें। ये समझौता कर लेती कि प्राइस सेम रखेंगे, देखो भाई जिसकी जितनी जितनी बिकनी है बिकेगी, लोगों को जो पसंद आएगी वो आ जाएगी, लेकिन प्राइस कम नहीं करेंगे हम। तो इस प्रकार से वो गुप्त समझौता, क्योंकि समझौते मुख्य रूप से कोई ना कोई फर्म हमेशा क्या होती है, कार्टल से टूट जाती है। तो एमए लेवल पर जब हम कार्टल्स के टाइप्स करते हैं उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे, ये बटरेंड का जो नियम है कार्टल पर। तो इसमें क्या होता है, समझौता हो गया, सब फर्म में क्या है उसी के अकॉर्डिंग, फिर वो मान लेती है कि किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिल जाएगा, कि ग्राहक को जो पसंद आती है जिसकी गाड़ी वो ज्यादा बिक जाएगी, जिसको कम पसंद आती है वो कम गाड़ी बिकेगी, तो वो फिर आपस में लड़ते नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, कोलुषिव ओलिगोपली। अब है नॉन कोलुषिव ओलिगोपली, इसमें क्या होता है कि वो अपने पिछले बिहेवियर से कुछ भी नहीं सीखते। उन्होंने पिछले बिहेवियर से क्या लड़ते रहे, एक कम ने प्राइस कम की, दूसरे ने उससे थोड़ी कम की, तीसरा और भी कम कर रहा है, तो इस प्रकार से वो आपस में प्राइस वार चल रहा है, उनका गला काट प्रतियोगिता चल रही है, करो या मरो दोनों की, कर लो मर लो, मार्केट को कैप्चर कर लो, इस प्रकार की पॉलिसी है। उनके प्रॉफिट क्या है, बिल्कुल मिनिमम लेवल तक चले गए, लेकिन फिर भी वो सुधरे नहीं, था उसी को अपना रहे, समझौता अब भी नहीं करना उन्होंने, तो बगैर समझौता किए लड़ते रहते हैं, अपने मार्केट को हथियाने के लिए सारे जो हथियार है वो प्रयोग करते रहते हैं। तो उस मार्केट को हम क्या कहेंगे, नॉन कोलूसिव ओलिगोपली। तो ओलिगोपली का अर्थ हमारे सामने क्लियर है कि वो बाजार जिसमें कुछ ही फर्में क्या होती हैं, पूरी मार्केट को कैप्चर किए हुए होती हैं, प्रत्येक फर्म मार्केट का एक बड़ा सा हिस्सा कैप्चर किए हुए, और फर्मों की आपस में निर्भरता की मात्रा भी क्या है, बहुत ज्यादा है। निर्भरता किसमें है, आउटपुट में है और प्राइस में भी है, कि एक का जो फैसला है दूसरे को क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित करेगा। तो अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, फीचर्स क्या हैं। पहले ही है हमारी फ्यू फर्म्स की, कुछ गिनी चुनी फर्में होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, सेलर होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सीमेंट की है हमारी, जो ऑटो कंपनी में हमने देखा कि कार्स बनाने वाले कुछ ही फैक्ट्रियां हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करती हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए होती हैं, कि बड़ा बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करती हैं। फिर है हमारा इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या है, कि एक का जो भी एक्शन होता है वो दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। निर्भरता बहुत ज्यादा है, एक प्राइस में चेंज करेगा दूसरा क्या करेगा, उसी टाइम प्राइस में कोई ना कोई चेंज जरूर करेगा, लेकिन अकेला प्राइस में नहीं, एक कोई सर्विसेज में चेंज करता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, दूसरा भी ट्राई करेगा कि वो भी ऐसा ही करे। इस प्रकार से हम कह रहे, पहले सीट बेल्ट क्या थी, सिर्फ ड्राइवर के पास होती थी, फिर एक कंपनी दूसरी कार वाले ने सोचा कि क्या मौत ड्राइवर को आती है, वो किसी को भी आ सकती, उसने एक और चीज ऐड की कि उसने साइड वाले बंदे के लिए भी निकाल दी लगा दी, फिर तीसरी ने ये सोचकर अपनी कारों में भी वही चेंज कर दिया कि इसने दो सीट बेल्ट प्रोवाइड किया, अगला ऐसा भी आ गया जिसने पीछे वाले बंदों के लिए भी कर दी। तो इस प्रकार से ये भी है कि एक ने किया, दूसरी डिपेंडेंट है उन पर, वो जैसा कर रहा है वो भी वैसे ही फैसिलिटी किसको, कंज्यूमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। एक एयर बैग दे रहा है तो दूसरों ने भी उसकी देखी देखी कि आगे भी होने चाहिए एयर बैग, पीछे भी होने चाहिए, कि पहले आगे आगे थे। तो इस प्रकार से क्या है, जो भी फैसिलिटी है हर एक क्या करता है, एक जब इंट्रोड्यूस करता है उस फैसिलिटी को, तो दूसरा ओलिगोपलिस्ट भी क्या करता है, उसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का फैसला लेता है, करवाता है वो। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आपस में वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। उसी प्रकार प्राइस है, एक मान लो दिवाली पर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि मैं आपको इतनी सर्विसेज फ्री दूंगा, तो दूसरे को पता चलते हैं वो भी ऐसा ही ऑफर फटाफट से निकाल देगा, या प्राइस कम कर रहा है तो दूसरा क्या है,
ऐसा हो तो फटाफट से दिवाली पर इसने कह दिया कि एक जो 5 लाख वाली गाड़ी थी वो हम 4 लाख में कर रहे हैं। तो वो टाटा ने निकाली कि मारुति वाला भी ऐसी कोई स्कीम निकालेगा। एक ने निकाल दिया कि हम क्या करते हैं, लोन पर आपको कम से कम ब्याज की दर है जहां पर वो आपको गाड़ियां प्रोवाइड करवाते हैं, तो दूसरी कंपनी वाला भी वही स्कीम अपनाएगा। तो ये आत्मनिर्भरता है, चाहे वो कीमत की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो आउटपुट फैसिलिटी है किस प्रकार से कि आउटपुट में उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ, तो वैसा ही दूसरा करेगा। फिर है हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन। क्या होता है, देखो एक तो प्राइस वार होता है, एक कम करता दूसरा उसे, तो इनमें इनको समझ आ जाती है, ये कार्टल बना लेते हैं, समझ आ जाती है कि देखो लड़ेंगे किसी का भला होने वाला नहीं है। प्राइस कम होगी सिर्फ फायदा किसको होगा, कंज्यूमर पर होगा और हम सभी को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये फिक्स हो गया, मान लो कि हम प्राइस को कम नहीं करेंगे, प्राइस सेम रखेंगे, तो फिर ये ग्राहकों को लुभाने के लिए तरीके तो जरूर अपनाएंगे अब भी। तो ये क्या करते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करते हैं कि प्राइस को चेंज नहीं करते लेकिन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट साथ में देना स्टार्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से आपको मान लो गाड़ी खरीदनी है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी वाले के पास गए उससे खरीद लेंगे, नहीं, हम जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी फीचर्स देखेंगे कि क्या वो एक्स्ट्रा दे रहा है, क्या उसके अंदर है, क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्कूटी खरीदनी है तो सभी के पास जाकर देखेंगे, फिर हमने डिसाइड फैसिलिटी देखी कि एक साथ जो सर्विस जो फ्री करवा रहा है, दूसरे ने हमें नो का ऑफर दिया, तो हम फिर चूज करते हैं। तो वो क्या है, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रही लेकिन साथ में फैसिलिटी का जो प्रोवाइड कर रही है उसमें अंतर है। कोई साथ फ्री सर्विस दे रहा है कि आपके साथ ये बीमा फ्री में हम दे रहे हैं, आपका गाड़ी का कुछ हो जाता है वो आपकी रिपेयर फ्री में करवाएंगे 2 साल तक। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो ग्राहकों को लुभाने के लिए होती है। दिवाली पर है तो साथ में कोई बम्पर ऑफर वो निकाल देते हैं कि दिवाली पर ये खरीदते हो तो इसके साथ में आपको ये फ्री दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है कि प्राइस को चेंज किए बगैर भी आपस में क्या करें, वो वार कर रही है, कॉम्पिटिशन कर रही है, ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फिर हमारा है बैरियर ऑफ एंट्री। तो बैरियर ऑफ एंट्री का मतलब देखो हमने क्या पढ़ा था कि मोनोपोली में भी क्या होते हैं, बैरियर ऑफ एंट्री होते हैं, ठीक है वहां तो सख्त रूल है, लेकिन यहाँ इस तरह के तो बैरियर ऑफ एंट्री नहीं होते क्योंकि वहां तो सरकार ने जिस तरह से रेलवे था एक ही व्यक्ति को अधिकार दिया था, बाकी को अधिकार है, लाइसेंस ही नहीं मिले, लेकिन इसमें क्या इतना हार्ड रूल तो नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि जो एग्जिस्टिंग जो फर्म है वो ठीक से अपना कार्य करती रहे, इनको जेन्युइन है, वो मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट बना करके प्रॉफिट कमाने के लिए आना चाहता है, वो दूसरी जो एग्जिस्टिंग हमारी फर्म है उनको खत्म नहीं करना चाहता, तो उसको क्या है अधिकार मिल जाता है, वो एंटर कर लेता है। तो एंटर करने के लिए भी क्या है, उसको अपनी फीस करनी पड़ती, बहुत सारे बैरियर होते हैं कि उसका पेटेंट राइट करवाना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल है मिलना, उसके लिए काफी खर्चे करने पड़ते हैं। तो सरकार वो अधिकार कुछ व्यक्तियों को देती, जब लगता है कि आई एग्जिस्टिंग फर्म को खत्म करने के लिए इसकी नीयत साफ नहीं, ये अधिकार उसको कभी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से जो पेटेंट राइट का अधिकार है, जितने भी है जो खर्चे हैं सरकार उनको नहीं आने देती। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से टेस्ला जो हमारी क्या थी एक मोटर्स कंपनी जो आई, जिसने कहा कि हम सोलर सिस्टम पर आधारित गाड़ियां चलाना चाहते हैं, नियत साफ नहीं थी, तो उसको क्या कर दिया कि इससे हमारे क्या हुई, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और जो कितने करोड़ लोग जिनमें काम कर रहे हैं वो लोग भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या पड़ रहा था, बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उसको मार्केट में एंटर नहीं किया करने दिया गया, बैरियर लग गया। तो टेस्ला मोटर्स को जिस प्रकार हमने आने से रोका है, बहुत सारी ऐसी और भी कंपनियां होती हैं जो आना चाहती हैं पर उनकी नीयत साफ न होने की वजह से उन पर बैरियर लगा दी जाती कि नहीं आ सकती, तो सरकार उनको इजाजत ही नहीं देती एंटर करने की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह खाया और आ गया और कोई छोड़ के चला गया, नहीं, उसके एंट्री पर क्या होता है, बैरियर होता है। फिर है हमारा रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो देखो
दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक हमारा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा होता है सेलिंग कॉस्ट। तो देखिए वस्तु को पैदा करने पर जो खर्चा कर रहे हैं, वस्तु को बनाने में जितने खर्चा किए जाते हैं वो हमारे क्या करता कहलाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। और बन के तैयार हो चुकी उसको बेचने पर जो खर्चा करते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं पर दीवार पर उसका पोस्टर चिपकाया है या कहीं पर उस दीवार पर ही पेंटिंग बनाकर हमने उसको दिखाया, वो सारी हमारी क्या कहलाती है, सेलिंग कॉस्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसी बात आ जाती है जहां पर हम प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, कह ही नहीं सकते कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट में तो क्या है, पैकिंग तो हम करेंगे ही वस्तु की, ये प्रोडक्शन कॉस्ट में भी आती है, लेकिन उसकी पैकिंग को अट्रैक्टिव तरीके से करना कि हमने उसको पैक किए से किया है कि पैकिंग को अट्रैक्टिव बना दिया है। तो वो अट्रैक्टिव क्या है, ग्राहकों को लुभाने के लिए बनाई है, सीधा पोलिथीन में भी रैप कर सकते थे हम, लेकिन हमने उसको बिल्कुल हैंडल वाला अलग से बनाकर उसको पैक किया है। तो वो क्या था, वो हम कह ही नहीं सकते कि प्रोडक्शन कॉस्ट है या सेलिंग कॉस्ट है, वो उसको हम किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो होगी होगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फीचर्स ये है कि इसमें हमारी क्या पाई जाती है, सेलिंग कॉस्ट पाई जाती है। तो सेलिंग कॉस्ट बेचने के लिए ये कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मान लो मैंने कहा कि किसने टाटा ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उस नए प्रोडक्ट का ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग पोस्ट कहेंगे। तो जब भी कोई नया फीचर्स ऐड करते हैं ये कि नया अपना निकालते हैं, तो टीवी के थ्रू, न्यूज पेपर के थ्रू ये आती है कि हमने ये नया मॉडल निकाला है, इसमें ये विशेषताएं हैं, तो इस प्रकार कहते हैं ये ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की क्या देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। फिर है हमारा डिमांड इज नॉट डिटरमाइंड, कि डिमांड हमारी क्या होती है, डिटरमाइंड ही नहीं होती, फिक्स ही नहीं होती कि किस पर क्या, क्योंकि वो तो लड़ते रहते हैं, एक ने कीमत की तो सारे कीमत कम करेंगे, एक ने जैसा बिहेव करा दूसरा कैसा बिहेव करेगा, पता ही नहीं किस कीमत पर वो कितनी मात्रा करेंगे। तो इसके कारण इनका प्राइस जो डिमांड करो है वो निश्चित ही नहीं होता, अनिश्चित रहता है। तो इस प्रकार से किन की डिमांड करो जिसको हम बोलते हैं, किंग पड़ जाता है क्योंकि एमआर हमारा इस प्रकार से एमआर होता है, तो ये हमारा एआर होता है, पता ही नहीं कि किस कीमत पर वो क्या एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे से लड़ाई में व्यस्त हैं कि किस कीमत पर वो कितनी डिमांड करेगा कोई निश्चित नहीं होता। इसलिए हमेशा एक आ जाता है कि ओलिगोपली में प्राइस करो डिटरमाइन नहीं होता, कि सॉरी प्राइस करो नहीं डिमांड करो डिटरमाइन ही नहीं होता, कि निर्धारित नहीं होता कि किस प्रकार का वो होगा। तो इसलिए इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, किंग की डिमांड करो से के नाम से जानते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में हमने कहा कि वो प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसका नेचर कैसा है, किस किस प्रकार का, तो ये हमारा क्या करता है, इसमें हम इस चीज को ले सकते हैं कि ये या तो क्या बेचेगा, प्रोडक्ट हमारा होमोजीनियस होगा या डिफ्रेंशिएट होगा। होमोजीनियस वो एक तरह की सीमेंट है, वो तीन या चार हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो सीमेंट तो क्या है, सिमिलर ही है, वो बेचती हैं। उसी के बाद इस प्रकार से गैस एजेंसियां हैं, वो गैस क्या है, गैस तो सिमिलर ही होती है सारी, चाहे वो इंडियन की हो भारत की हो, कुछ कंपनियां हैं गैस सेम है हमारी, वही सेम यूज है उसका। तो उसके बाद हमारा डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में क्या है कि अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्स हैं, वो सभी कार्स की अपनी फीचर्स हैं, अपनी अपनी फैसिलिटी है, किसी के हम कहेंगे ये चीज की बढ़िया है, इसकी ये बढ़िया है, इसका इंजन बढ़िया है, इसकी स्पीड बढ़िया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वो प्रोडक्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट है, विभिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट वो बेचती है। फिर हमारा इसमें हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप बिहेवियर, कि इसमें नॉर्मली फर्म में क्या करती है, ग्रुप बिहेवियर करती है। ग्रुप बिहेवियर का मतलब, वैसे तो इंडिपेंडेंट है, हर फर्म इंडिपेंडेंट है, पांच या चार फर्म हैं, वो इकट्ठी मिलकर क्या कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं अपना। भाई देखो हम इस प्रकार से एक बात में एक आवाज में बात कहेंगे, सभी को वही क्या होगी, मंजूर होगी कि हम यही प्राइस लेंगे, उसके साथ साथ आप ग्राहकों किसी प्रकार से लुभाओ, प्राइस कम नहीं करेंगे, जिसको जितना शेयर मिलना है मिलेगा, लेकिन हम
प्राइस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इसमें मोस्टली फर्में इंडिपेंडेंट रहने की बजाय क्या करती हैं, ओलिगोपोली मार्केट में वो ग्रुप में बिहेव करना पसंद करती हैं, क्योंकि सभी को पता है जब ग्रुप में बिहेव नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है मैक्सिमम नहीं होंगे। लेकिन हर फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जिस प्रकार कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेटिस्फाइड को मैक्सिमम करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना, तो प्रोड्यूसर का भी वही मोटिव है कि वो क्या करता है, प्रोडक्शन इस प्रकार करता है, कॉस्ट को मिनिमम करता है और जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करता है। तो ये भी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए ग्रुप बिहेवियर को अपनाते हैं, ना कि इंडिविजुअल वो कोई भी डिसीजन नहीं करते कि एक प्राइस पॉलिसी रखते हैं और ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा लास्ट और इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर था स्टूडेंट्स। इसके बाद फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्रकार गेन करते हैं, कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम ये करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।